हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था रेलवे के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें हमने रेलवे बोर्ड से लेकर के और रेलवे के सबसे निचले पायदान पर काम करने वाले गैंगमैन ट्रैकमैन तक का आपको परिचय दिया था कि ये रेलवे के इतने कर्मचारी होते हैं। अब हम जो है बताएंगे कि जो इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स भी हमने बताए थे, तो तीन प्रमुख डिपार्टमेंट्स इसमें होते हैं जो कि रेल संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें सबसे पहला इंजीनियरिंग विभाग, दूसरा सिग्नल विभाग जिसको ऑपरेशंस या ट्रैफिक भी कहते हैं, और तीसरा टीआरडी विभाग जो कि ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इसको मैनेज करता है टीआरडी विभाग। हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग विभाग के बारे में। अब इंजीनियरिंग विभाग में सबसे जो बेसिक चीज है वो ये होती है कि सेक्शन क्या होता है, यार्ड क्या होता है। तो यार्ड बेसिकली वो होता है जहां पर ट्रेनें आकर के रुकती हैं, उसको यार्ड बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग स्टेशन भी बोलते हैं उसको। और सेक्शन होता है कि पूरा जितना एक जिसमें कि कई सारे स्टेशन आते हैं, स्टेशन के अलावा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का जो रेलवे का हिस्सा होता है, ट्रैक का हिस्सा होता है, और उसके बाद का भी जो हिस्सा होता है उसको हम सेक्शन बोलते हैं। अब हम आएंगे यार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार्ड बेसिकली हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो सिग्नल के आधार पर यार्ड डिवाइड करते हैं, और एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आधार पर यार्ड डिवाइड करते हैं। जो सिग्नल के आधार पर यार्ड डिवाइड होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि सिग्नल पोल कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि सिग्नल में भी, सिग्नल डिपार्टमेंट के भी कई सारे सिग्नल्स होते हैं, जैसे होम सिग्नल है, डिस्टेंस सिग्नल है, तो वो कहाँ से शुरुआत हो रही है। हालांकि इन चीजों के बारे में हम एक सिग्नल की स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम सब बताएंगे, लेकिन एक अभी के लिए जान लीजिए कि जो यार्ड है वो सिग्नल आधार पर डिवाइड होता है और इंजीनियरिंग के आधार पर डिवाइड होता है। तो जो सिग्नल आधारित यार्ड का डिवीजन है वो सिग्नल की शुरुआती से होता है, जहां से उस स्टेशन का सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल या होम सिग्नल शुरू होता है। और इंजीनियरिंग के आधार पर जो यार्ड का डिवीजन होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कहां से क्रॉसिंग या फिर कहां से लूप लाइन शुरू हो रही है, या फिर कहां से किसी प्रकार की साइडिंग शुरू हो रही है हमारी मेन लाइन से। अब देखिए, अब यहां पे बात आती है मेन लाइन। तो मेन लाइन हम दो तरीके की या फिर उससे ज्यादा भी तरीके की पॉसिबल हो सकती है, लेकिन नॉर्मली दो तरीके की मेन लाइन होती है। एक सिंगल मेन लाइन, मतलब सिंगल लाइन वाला एक ट्रैक होता है, उसमें सिंगल लाइन मतलब जाने के लिए भी वही ट्रैक यूज होगा, आने के लिए, ट्रेन आने के लिए भी वही ट्रैक यूज होगा। और एक होता है डबल लाइन। डबल लाइन मतलब कि उसमें जाने के लिए अलग ट्रैक यूज होता है, आने के लिए अलग ट्रैक यूज होता है। तो इस प्रकार से उसको नाम भी उसी हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। एक अप लाइन होता है और एक डाउन लाइन होता है। तो अपने कैटेगोरिकली इसको जो है डिसाइड किया जाता है कि कौन सा अप लाइन है और कौन सा डाउन लाइन है। तो अप लाइन या डाउन लाइन मतलब मेन लाइन में से जहां से कोई लूप लाइन या कोई साइडिंग विभाजित होती है, किसके द्वारा, पॉइंट्स के द्वारा इनका विभाजन होता है, तो वहां से हमारा इंजीनियरिंग का यार्ड शुरू होता है। तो आइए देखते हैं पॉइंट से कैसे कोई भी ट्रैक या फिर मेन लाइन से कोई साइडिंग या लूप लाइन कैसे डिवाइड होती है। तो यार्ड जो होता है वो मेन लाइन से एक अलग से कटा हुआ हिस्सा होता है, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो हमारा आ रहा है वो सेक्शन से मेन लाइन आ रही है, लेकिन आगे जाकर के ये मेन लाइन दो भागों में विभाजित हो गई है। तो इस मेन लाइन से एक लूप लाइन बन गई और एक जो है एक मेन लाइन बन गई, जिसमें कि थ्रू ट्रेनें जाती हैं। थ्रू ट्रेनें मतलब कि इसमें ट्रेनों का नॉर्मली स्टॉपेज नहीं होता है। और लूप लाइन बन जाती है, लूप लाइन इसलिए क्योंकि हम रेलवे स्टेशन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ट्रेनों को रोकने के लिए अलग लाइंस बनाते हैं, जिसे लूप लाइन या साइडिंग कहते हैं, तो उसके लिए इसे बनाया जाता है। अब यार्ड में दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तृत जानकारी साझा करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे आवश्यक चीज़ ये हो जाता है कि उन चीज़ों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, ताकि जब हम बाद में उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें आपसे और उनका नाम लें तो आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हों उसके बारे में।
ताकि जब बृहद जानकारी हम लोग देने लगेंगे उसके बारे में तो आप लोग उससे फैमिलियर रहेंगे। तो यार्ड शुरू होता है बेसिकली पॉइंट से, और जहाँ से मतलब दो लाइंस कटती हैं वहाँ से यार्ड शुरू होता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मेन लाइन से एक लूप लाइन कट करके दूसरे लाइन में जा करके मिल रही है, लेकिन कट कैसे रही है पॉइंट की सहायता से। अब देखिए यहाँ पे है पॉइंट बॉक्स, इसमें अंदर एक मोटर लगा होता है। कई प्रकार के पॉइंट होते हैं, मैन ऑपरेटेड होते हैं, ऑटोमेटिक पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो उस समय हम लोग सोचते थे कि ठीक है बस तो स्टेयरिंग की मदद से घूमती है, बस अपना रोड पे जा रही है, स्टेयरिंग घुमाए बस घूम गई। लेकिन हम लोगों के मन में ये डाउट रहता था कि इतनी भारी भरकम ट्रेन को ड्राइवर कैसे घुमाता होगा, कैसे मोड़ता होगा, ये हमेशा डाउट रहता था। तो वो आज यहाँ पे डाउट हम लोगों का क्लियर हो रहा है कि वो घूमती है लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर की मदद से नहीं, बल्कि इन पॉइंट के ऑपरेटर्स की वजह से। जो पॉइंट को जो लोग ऑपरेट करते हैं वो लोग इन पॉइंट्स वो अपने यहाँ पे बैठे बैठे स्विच करते हैं, बटन दबाते हैं, उनकी वजह से ये जो बॉक्स है इसका मोटर एक्टिवेट हो जाता है और ये पूरा का पूरा ट्रैक जो है शिफ्ट कर जाता है, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। इसकी वजह से ट्रेन या तो सीधे निकल जाएगी या लेफ्ट साइड हो जाएगी या राइट साइड हो जाएगी। तो ये तो बस एक पॉइंट के बारे में बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको यार्ड में मिलेंगी, तो बारी बारी से हम सभी चीज़ों के कम से कम नाम के बारे में तो जानेंगे ही और उनका छोटा सा उपयोग जानेंगे, और उन हर एक चीज़ पे बृहद वीडियोज़ में हम समझेंगे कि उनका कितना बड़ा उपयोग होता है ट्रेन संचालन में। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह और अभी मेरे मित्र हिमांशु जी ने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं शुरू करूँगा आपको फ्रेंड्स कि रेल को कैसे फाउंडेशन दिया जाता है, रेल को कैसे बिछाया जाता है। हल्का सा छोटा सा इंट्रो इसके बारे में मैं दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी आसानी से रेल्स नहीं चलती हैं जितनी आसानी से हमको दिखता है। आपको लगता है कि पटरियाँ बिछ गई हैं, रेल्स लग गई हैं, उसके ऊपर रेलगाड़ियाँ दौड़ रही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है मेरे फ्रेंड्स। थोड़ा सा देखते हैं, आप यहाँ पे जरा बगल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फाउंडेशन दिखेगा, ये प्रोटेक्शन लेयर होता है फ्रेंड्स। इस प्रोटेक्शन लेयर के ऊपर हम बैलास्टिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, और इस बैलास्ट के ऊपर आप जैसे कि यहाँ नीचे स्लीपर्स लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर डिस्टेंस से स्लीपर लगाया जाता है, और फिर स्लीपर्स के ऊपर हम रेल बिछाते हैं और रेल की फास्टनिंग करते हैं। रेल की फास्टनिंग फ्रेंड्स हमने बताया था कि रेल की फास्टनिंग कैसे की जाती है। रेल की फास्टनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इंसर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इस इंसर्ट में लगे हुए ये क्लिप्स, क्लिप्स के नीचे आपको लाइनर दिख रहा होगा, और स्लीपर्स और रेल के से प्रोटेक्शन के लिए बीच में हम जी आर पैड लगाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम चलते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स के छोटी छोटी बारीक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट बॉक्स है, इसे पॉइंट बॉक्स बोलते हैं। इसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे इस पॉइंट का नंबर है 201A, यानी पॉइंट नंबर 201A इसको बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसके सहारे इस पॉइंट्स को हम एक सिरे से दूसरे सिरे में बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ से गाड़ियाँ फ्रेंड्स या तो मेन लाइन में जाएगी या तो यहाँ से क्रॉसओवर होते हुए साइडिंग लाइन में जाएगी। तो पॉइंट्स कैसे चलते हैं, पॉइंट्स को चलने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिग्नल का डी रॉड है, ये डी रॉड हेल्प करता है इस पॉइंट बॉक्स के सहारे इस पॉइंट्स को इस स्टॉक रेल में जोड़ने का काम करता है। इसका हेल्प करता है फ्रेंड्स, इसे स्ट्रेचर बार बोलते हैं। ये स्ट्रेचर बार भी ठीक डी रॉड की तरह ही काम करता है इस पॉइंट्स को स्टॉक के साथ जोड़ने के लिए, या फिर वापस इस पॉइंट को जैसे कि इस स्टॉक में जुड़ा हुआ है वैसे जोड़ने के लिए। इस पॉइंट यानी पॉइंट के समान ये इसे स्विच बोलते हैं, ये स्विच रेल बोली जाती है, और ये बगल में इसकी सपोर्टिंग जो रेल होती है फ्रेंड्स इसको स्टॉक रेल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको रेल और स्लीपर्स के बीच में यहाँ लोहे की प्लेट्स दिख रही होंगे फ्रेंड्स, ये कई प्रकार की प्लेट्स हैं। जैसे यहाँ पे एक लंबी प्लेट है, उसके बाद क्रमशः ये प्लेट और छोटी होती जा रही हैं और आगे फिर बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्लेट को हम बोलते हैं गेज चेयर प्लेट, जो लंबी वाली प्लेट्स होती है इसे गेज चेयर प्लेट बोलते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक प्लेट स्लाइडिंग प्लेट दिखेगी, तो इसे चेयर प्लेट बोलते हैं। चेयर प्लेट इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर
ये आपकी जो रेल है ये पॉइंट का स्विच जो है ये इस पर स्लाइड करता है। स्लाइड करने का मतलब ये सरकते हुए इस पोर्शन पे आएगी ताकि स्टॉक और ये स्विच दोनों के बीच में गैप बन जाए ताकि रेल्स आसानी से अंदर से जा सकें। तो फ्रेंड, स्विच और स्टॉक के सपोर्ट के लिए बीच में आपको ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे। ये क्रमशः 5 ब्रैकेट्स होते हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे, जिसे नट और बोल्ट के सहारे स्टॉक में अटैच किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी ब्लॉक्स होते हैं जिसे हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट में दिखेगा, इसे हम हील ब्लॉक कहते हैं। ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसे हील ब्लॉक कहते हैं। और आगे ऐसे क्रमशः बढ़ते हुए फ्रेंड्स 3 और हमारे ब्लॉक्स होते हैं, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक। ये स्टॉक और स्विच को जोड़ने का काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। फ्रेंड्स, आपको जो ये FM दिख रहा है, ये FM का मतलब होता है फाउलिंग मार्क। फाउलिंग मार्क का मतलब ये होता है कि ट्रेन अगर वहाँ से आ रही हो तो उसका पिछला हिस्सा जो है इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। मींस कि अगर कोई गाड़ी इस ट्रैक पे खड़ी है तो किसी भी ट्रेन को इसके पहले ही रुकना पड़ेगा। ये होता है फ्रेंड्स फाउलिंग मार्क। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक खंभा दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी खंभे को हम मास्ट कहते हैं। और इसके ऊपर जो आपको ये वायर दिख रहा है, ये वायर 25 kV का होता है, यानी 25,000 वोल्ट की इसमें बिजली दौड़ रही होती है। इसे OHE कहते हैं, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो रेल्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। अमूमन कभी कभी तो 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर की रेल्स होती हैं। तो रेल एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होती हैं, लंबी लंबी रेल्स, वो होती हैं SEJ के माध्यम से, यानी स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट के माध्यम से। तो हम आपको बताते हैं स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है और इसका एक छोटा सा काम बताते हैं। ये देखिए, ये है स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक लंबी रेल उस साइड से आ रही है और एक टंग का शेप लेते हुए यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। अब यहाँ से एक दूसरी रेल शुरू हो रही है और ये लंबी बनती चली जा रही है आगे। तो जो आती हुई और टंग का शेप यानी जीभ का शेप लेती हुई रेल होती है उसको टंग रेल बोलते हैं। और जो रेल यहाँ से शुरू होती है और ये एक सपोर्टिंग रेल का काम करती है पीछे से, उसको स्टॉक रेल बोलते हैं। ये दोनों रेल्स जो हैं क्लैम्प्स और लोहे के इन प्लेट्स के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। तो हम लोग बचपन में कई बार सुने हैं और ये क्वेश्चंस हम लोग किए हैं कि रेल की पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है। तो उसका आंसर ये होता था कि टेम्परेचर की वजह से, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पटरियों की लेंथ बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो पटरियाँ जो है टेढ़ी हो जाती हैं। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टंग और स्टॉक के बीच का ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये कम हो जाता है, क्योंकि रेल की पटरियों की लंबाई में वृद्धि होती है, गैप कम हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर घटता है तो पटरियाँ जो हैं सिकुड़ जाती हैं और ये जो गैप होता है ये बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जहाँ पे भी SEJ लगा होता है, मतलब 2 LWR के को जोड़ने के लिए जहाँ पे भी SEJ लगा होता है, वहाँ पे SEJ की डिस्क्रिप्शन के लिए एक बोर्ड लगा होता है। तो आइए जानते हैं उस बोर्ड के बारे में। देखिए, ये है उस SEJ पे लगा हुआ बोर्ड। इस बोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसे कि इसमें लिख दिया LWR नंबर, तो इस पूरे सेक्शन में ये कितने नंबर का LWR है उसका नंबर लिखा होता है और SEJ का नंबर लिखा होता है कि ये जो SEJ लगी हुई है उसका क्या नंबर है। फिर LWR जो यहाँ पे लगी हुई है आ रही है दूर से, उसकी एक लेंथ लिखी होती है। फिर वो SEJ लगा कब है उसकी डेट लिखी होती है। फिर इसका डी स्ट्रेसिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है जिसमें कि हम टेम्परेचर LWR के टेम्परेचर को मैनेज करने का प्रयास करते हैं अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से, तो उसको डी स्ट्रेसिंग बोलते हैं। तो इसकी डी स्ट्रेसिंग कितने डेट में हुई है वो लिखा हुआ है और इसका डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होता है वो लिखा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है SEJ के बारे में और LWR के बारे में इस बोर्ड पे लिखी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बड़ी सी रेल किस्से की चीज़ दिख रही है, इसे हम लोग क्रॉसिंग बॉडी बोलते हैं। क्रॉसिंग बॉडी का मतलब ये होता है कि ट्रेन दो लाइंस पे क्रॉस करती है। यहाँ पे सिंगल लाइन एक लाइन से शुरू होती है और यहाँ पे दो लाइंस पे
क्रॉस कर जाती है, इसे क्रॉसिंग बॉडी बोलते हैं। ये क्रॉसिंग बॉडी का नोज होता है और क्रॉसिंग बॉडी को आप दोनों तरफ देखेंगे दो दो रेल से जोड़ा जाता है और इन दोनों रेल्स के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक गुटके लगे होते हैं और हर गुटके का अलग अलग नंबर होता है। पॉइंट के तरफ के गुटके का अलग नंबर है, फिर जहाँ से दो रेल्स आपको दिख रही हैं यहाँ का अलग नंबर होता है। साथ ही साथ इस क्रॉसिंग बॉडी पे रेल को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स चेक रेल्स लगे होते हैं। तो चेक रेल आपको एक इस डायरेक्शन में भी दिख रहा होगा, राइट साइड के डायरेक्शन में भी दिख रहा होगा और एक आपको लेफ्ट साइड के भी डायरेक्शन में दिख रहा होगा। ये ट्रेन के चक्के को डायरेक्ट करने का काम करता है कि किस वे में नोज की सहायता से ट्रेन आगे जाएगी, क्या लेफ्ट वाले लाइन में जाएगी या फिर राइट वाले लाइन में जाएगी। तो फ्रेंड्स रेल्स के जो पैनल्स होते हैं ये रेल पैनल बोला जाता है, वो काफ़ी लंबी लंबी होती है। जो स्टैंडर्ड रेल के पैनल होते हैं वो आपके 12.8 मीटर के होते हैं और उसको वेल्ड के सहारे बहुत लंबा लंबा किलोमीटर लंबा जोड़ा जाता है और उसकी लेंथ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यानी या फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भी हो सकती है। तो उन रेल्स के अलग अलग नाम होते हैं। जो कंटिन्यूस वेल्डेड रेल जो होती है उसको CWR बोलते हैं, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लगातार उसको वेल्ड के सहारे जोड़ा गया होता है। मैक्सिमम उसका लेंथ जो होता है वो 10 किलोमीटर का होता है, उसे कॉन्टीन्यूस वेल्डेड रेल बोलते हैं, CWR बोलते हैं। छोटी LWR होती है जो उससे छोटी होती है, जो 3 या 4 या 5 किलोमीटर इतनी या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लंबी होती है, यानी कि लॉन्ग वेल्डेड रेल। उसमें मैक्सिमम एक से अधिक पैनल जुड़े होते हैं, वो लॉन्ग वेल्डेड रेल होती है। और तीसरी जो होती है वो शॉर्ट वेल्डेड पैनल होता है। शॉर्ट वेल्डेड पैनल क्या होता है कि छोटी सी रेल यानी स्टैंडर्ड रेल से नीचे की जो रेल होती है जिसको आप बोल सकते हैं 8 मीटर की 7 मीटर की 6.5 मीटर की या फिर 9 मीटर की, तो जो SWR होता है या SWP होता है वो स्टैंडर्ड रेल को जोड़ करके उसका पैनल बना के उसको लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो वेल्ड होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक कंपनी की वेल्डिंग होती है जिसको हम लोग फ्लश बट वेल्ड बोलते हैं और दूसरी जो होती है वो AT वेल्ड होती है। AT वेल्ड आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, जो फ्लश बट वेल्ड होता है वो कंपनी के द्वारा LWR में लंबे लंबे रेल्स को जोड़ने के काम में आती है। वो कंपनी ही लंबी लंबी रेल्स के पैनल को 260 मीटर की पैनल या 280 मीटर की पैनल, 300 मीटर या आधे आधे किलोमीटर की पैनल्स को कंपनी के द्वारा ही वहीं से वेल्ड करके भेजा जाता है। परंतु साइट्स पे जो वेल्ड होती है जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये AT वेल्ड है, ये हमारे वेल्डर्स यहीं पर साइट्स पे दो रेलों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं और ये आपका AT वेल्ड है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो जॉइंट्स हमारे होते हैं वो बहुत तरीके के जॉइंट्स होते हैं, ये भी वेल्ड भी आपका एक तरीके से जॉइंट है। इसके अलावा SEJ जॉइंट होता है, इसके अलावा फिश बोल्ट के द्वारा दो रेल्स को फिश प्लेट और बोल्ट्स के द्वारा जोड़ा जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक प्लेट दिख रही है, इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं जॉगल्ड प्लेट। जॉगल्ड प्लेट को तब हम लगाते हैं जब कोई वेल्ड होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये वेल्ड है, अभी इस वेल्ड को चेक नहीं किया गया है, इस वजह से हमने इस जॉगल्ड प्लेट को लगाया गया है ताकि इसमें कोई डिफेक्ट ना आए, इस वेल्ड में कोई डिफेक्ट ना आए, इस वजह से हम अभी इस जॉगल्ड प्लेट को लगाए हैं। इसके अलावा हमारे फ्रेंड्स फिश प्लेट जॉइंट भी होते हैं जो आपको आगे दिखेंगे। तो फ्रेंड ये आपको फिश प्लेट दिख रहा है, ये फिश प्लेट पूरे 1 मीटर लंबा है और 6 होल वाला है। 6 होल का मतलब है कि यहाँ पे 6 बोल्ट्स आराम से लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फिश प्लेट हम तब लगाते हैं जब फ्रीली दो रेल आपस में जुड़ती हैं। फ्रीली जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पे कोई वेल्डिंग नहीं है, इसको बोल्ट के सहारे हम लोग इस फिश प्लेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसको संपार बोलते हैं। संपार मतलब कि रोड के माध्यम से जो आवागमन होता है उसको सही तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए हम संपार बनाते हैं कहीं भी, मतलब रेलवे ट्रैक पे। तो ये एक संपार है।
तो फिलहाल ये संपार्क बंद पड़ा हुआ है और ये ट्रैफिक का संपार है। संपार्क भी दो प्रकार का होता है, एक इंजीनियरिंग का संपार होता है, एक ट्रैफिक का संपार होता है। तो ये ट्रैफिक का संपार है। तो दोस्तों जो पीले कलर का एक स्ट्रिप दिख रहा है, एक लंबा सा रॉड दिख रहा है, उसको जो है हम बूम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोने में एक कमरा बना हुआ है, वो गेटमैन का कमरा होता है। गेटमैन उसमें बैठा रहता है और स्टेशन मास्टर के आदेशानुसार वो इस संपार फाटक की बूम का संचालन करता है, ताकि कब जो है एक रोड की ट्रैफिक को इस पर से गुजरना है और कब जो है रेल की ट्रैफिक को गुजरना है, वो स्टेशन मास्टर डिसाइड करता है और निर्देश देता है गेटमैन को, और गेटमैन बूम के संचालन के माध्यम से ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है।